हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, टीचीटी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 12 फरवरी से, उसका एडमिट कार्ड जो है वो ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया जा चुका है। आप वहां पर जा करके जो है वो अपना एडमिट कार्ड को जो है वो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है वो ये आप देख सकते हैं के वी एस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये केवीएस का ऑफिशियल साइट, देखिए kvssansthan.nic, यहाँ पर केवीएस का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आपको जो है वो नीचे जाना है और रीड मोर पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है वो क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया रीड मोर पर, आप उसके बाद जाने के बाद आपको जो है वो क्या मिलता है, एक नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस नोटिफिकेशन की, ये क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। ठीक है, इस पर डिटेल्स पर आपको जाना है, क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखिए ऑप्शन दिखाई देता है कि क्लिक हियर टू द डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। इस पर सिंपल आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इस पर सिंपल आपको क्लिक कर देना है और ओके करना है। उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं ये आपका ये विंडो खुल जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो है अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके बाद आपको अपना सिक्योरिटी पिन डालना है, ये जो आपको दिया हुआ है सो। ठीक है, ये हुआ आपका, और आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट कर देना, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए। अगर कोई कैंडिडेट अभी डालता है और किसी का एडमिट कार्ड अभी टीजीटी पोस्ट के लिए नहीं आता है, जैसे आपका एग्ज़ाम 14 को है, जैसे मेरा भी एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है, सॉरी 14 फरवरी को है, तो मैंने भी डाला तो मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपका एडमिट कार्ड आपके एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले डाउनलोड होगा। यानी कि 14 को है तो आज कितना हो गया आपका, 10 हो गया, तो आपको अपना एडमिट कार्ड जो है वो कल यानी कि 11 फरवरी को आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ पर नोटिस में दिखा रहा था कि अभी अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपके एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम 12 है या 13 को है, ठीक है, टीजीटी पोस्ट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, वो अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके और डेट ऑफ बर्थ डाल करके जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका 14 को है वो परेशान ना हो, उनका भी कल जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस लिंक के माध्यम से जो है वो आप ट्राई करते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा, मतलब आप ट्राई करते रहिएगा, आपका एडमिट कार्ड भी आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी, इसका मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं भी कुछ ना कुछ अपडेट आपको शेयर करते रहता हूँ, ताकि आप लेटेस्ट जो भी न्यूज़ है उससे अपडेट से आप क्या रहे जुड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।